गाइस, वेलकम बैक टू नाजी अभिषेक ब्लॉग। तो आज है संडे और आज हम वेट कर रहे हैं। अभी मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी आने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी अभी, तो काम से भी मैं फ्री हो गई हूँ। बस खाना बनाना है, बाकी खाना बनाना ही बाकी है बस। और अब देखते हैं, वो आ जाएंगे, उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। आज मेरी सासू माँ भी आई हैं और आज इधर ही रुकेगी हमारे साथ ही, क्योंकि हमारा घर जैसे कि आपको पता है कि पीजी पे चलता है उधर, तो पीजी वाली लड़की अभी चली गई है। कुछ मालूम पड़ना ऐसा लगेगा कि मैंने कोई सजा दी है बोलने के लिए चुपचाप बैठ गई है। हाँ, तो वो एक दो दिन के लिए गांव गई है, तो वो अभी इधर ही है। तो हमने सोचा कि अच्छा आप सबके साथ भी हम शेयर कर देते हैं। आप भी कुछ लोग, कल मैं लाइव वीडियो में थी जब कुछ लोग बोल रहे थे आपकी सासू माँ वगैरह नहीं आई, तो आज देखिए आज वो भी आ गई है। तो आप सब अभी थोड़ा वो आपको चुप चुप लग रही होगी, क्योंकि इनको क्या हो गया, वायरल हो गया वायरस, सर्दी जुकाम से रहा है। जय श्या राम, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। ओम श्री राम, जय श्या राम, हाँ जय श्री कृष्णा। अभी मौसम खराब है ना, इसलिए बारिश हमारे इधर तो बारिश नहीं हुई, उधर तो सिटी में तो और भी तेज बारिश हुई। बारिश बट दो दिन हो गई, यहाँ एक दिन एक दिन भी पूरी नहीं हुई, 10-20 मिनट हो गई और फिर 2 घंटा हो गई, और एक दिन 2 घंटे हुए, एक दिन 1 घंटा। अच्छा तो बहुत अच्छी बरसात, पर गर्मी कम नहीं हुई, गर्मी तो एक उमस हो रही है इधर, तो उमस हो रही है। बाकी सब लोग आते हैं वो बोलते हैं हमारे इधर इतनी बारिश हो रही है, दो दो दिन 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 अच्छी लगती है, मस्त टाइम काट। अब आज संडे है तो हमने सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। पहले तो सुबह कुछ पता नहीं था, अचानक सुबह फोन आया था, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, फिर आप सबके साथ भी मिलवाई देंगे। आप दिनों से मिले नहीं हो, मेरा भी जाना नहीं हो पाया। मैं वो लास्ट मुझे अभी डॉक्टर के पास भी जाना था ना, तो मैं कहा तब जाऊंगी, तो घर का टूर भी मुझे शेयर करना है अभी, उधर का घर का भी अभी पूरा वीडियो बता रहा नहीं। आप कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है यार, मेरी मम्मी आई है मेरे घर पे रहने के लिए, मैं तो जाता रहता हूँ, हम लोग जाते रहते हैं। सही बात है, अच्छी बात है। और ये चुंदरी की साड़ी पहन रखी है यहाँ पर, यही बहुत ज्यादा चलता है चुंदरी वाली, है ना, यहाँ जोधपुर में यही ज्यादा फेमस है। ससुर जी छोड़ने के लिए आए थे, पर आज मैं उनको सूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं उधर खाना बनाने में लगी हुई थी। मुझे लगा थोड़ा और रुकेंगे तो मैं आती, मेरा जैसा खाना बना वैसे ही वो चले गए, वरना मैं उनको भी वीडियो में लेती। कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कभी ले लेंगे। तो वो आए थे और फिर वो छोड़कर चले गए, मैंने सोचा चलो बाद में ले लेंगे। मैंने कहा पहले मैं खाना बना के फ्री हो जाऊँ, किचन से ऐसा लगता है जितनी जल्दी भागो उतनी जल्दी अच्छा है, बाद में चलेंगे नेक्स्ट। अभी चलेंगे ना, वो तेरा ब्लड टेस्ट करवाना है तो जब मिलूंगी आपके साथ। मेरी सासू माँ इस रूम में है, थोड़ा देर बैठी वो उधर ही, उनको उधर ही अच्छा लग रहा है ड्राइंग रूम में। इधर गर्मी ज़्यादा है और एसी हम ऑन करते हैं तो उससे उनको ना बॉडी में पेन होता है थोड़ा सा। वो घर पर भी एसी ऑन करके ज़्यादा बैठती नहीं है, तो वो नीचे है ना हमारा उस साइड में घर, सबसे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं, तो वहाँ एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर अब एसी हम इसमें चला कर ही बैठना पड़ता है, अब सबको पता है कि इसमें गर्मी ज़्यादा है, तो वो अब बाहर ही बैठी हुई हैं, तो चलो उधर ही चलते हैं। सासू माँ आई है, वो क्या क्या लेके आई है मैं बताती हूँ सबको पूरा। चाउमीन, ये चाउमीन लेकर आए हैं, तो चाउमीन इनको पसंद नहीं पर मुझे पसंद है, तो मैं इसको अकेली बना बना के खाऊंगी। और ये है मक्खन, घर का बना हुआ मक्खन है, आप देख सकते हैं फ्रेश एकदम आज ही बना के लेकर आई हैं। साथ में ब्रेड का पैकेट भी है, ये सौंफ का पैकेट बहुत दिनों से सौंफ नहीं खाई थी। और ये केयर का जो दाग की सब्जी बनती है, वो राजस्थानी ट्रेडिशनल है केयर, ये गर्मियों में ही आते हैं मोस्टली। तो इसको ये जैसे ये डिब्बे में रख रखा है, नमक लगा के रख रखा है? नहीं, ये दो बस, सब मीठा हुआ है अभी बना हो बस दो के बस। ये क्या बहुत खारे आते हैं, इसको पहले नमक के पानी में भिजोना पड़ता है, मीठा बनाना पड़ता है, छाछ में और नमक के पानी में डुबा के रखना पड़ता है 2-3 दिन, फिर उसको साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, तब जाके इसका कड़वापन कम होता है। हाँ, तो ये फिर जाके ये इससे होता है, हाँ खाने लायक होते हैं फिर खाने लायक। तो इसकी हम जब भी सब्जी बनाएंगे ना, तो आपके साथ हम बताएंगे।
और साथ में ये जीरा, ये खाने के बाद पीने के लिए है, ये लेमन, ये भी खाने के बाद पीने के लिए है। तो ये खाने पीने की चीज़ लेकर आए, तो मैंने कहा जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, जितनी बार मैं मना करती हूँ उतनी बार ही लेकर आते हैं। चलो ये मैं रख देती हूँ, ये पी लो, पी लेते हैं, मैं तो पी लूँगी, ये रख देती हूँ, ये अच्छा लगता है नींबू, इसको रख जाते हो नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो गाइस अभी हम फ्री हो गए हैं और अभी हमने खाना वगैरह सब खा के फ्री हो गए हैं, सब कुछ आपको दिखा दिया जो भी लेकर आए थे। उसके बाद अभी मेरी सासू माँ रेस्ट कर रही है, सो रही है, टैबलेट लिया उन्होंने। उसके बाद फिर हम चाय वगैरह बनाएंगे, ब्लॉग को भी एडिट करती चल रही हूँ साथ में, और सो नहीं सकते हैं। मुझे पता है एक तो बाहर की टेंशन लगी रहती है, बाहर अब कल मैंने कपड़े नहीं धो पाए थे क्योंकि मौसम ख़राब था, परसों के कपड़े कल तक सूखे, अब आज कपड़े धुल गए सारे, तो मौसम अब फिर से बेकार हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश ना आ जाए। जैसे कि रात को इंडिया का मैच था तो हम तो वो देख ही नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास डिज्नी चैनल हमारे पास है नहीं है, और स्टार स्पोर्ट्स पर वो भी नहीं है हमारे पास क्योंकि हम वो ज़्यादा देखते नहीं हैं इसलिए। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हमने सोचा कि हम मोबाइल में कनेक्ट कर लेंगे, हॉटस्टार मोबाइल में था ऐप, तो उससे हम उसमें तो आ ही रहा था मैच, तो हमने सोचा उसमें देखेंगे और उसको कनेक्ट कर लेंगे टीवी से। तो हमने टीवी में भी कनेक्ट किया उसको, पहले हमने डायरेक्ट टीवी में ही हॉटस्टार ऐप है उसमें देखा, तो उसमें उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता, तो हमने सोचा कि मोबाइल में चल रहा है तो मोबाइल से हम टीवी में कनेक्ट कर देंगे और आराम से बढ़िया टीवी में देखेंगे। हॉटस्टार वाला इतना ग्रेट है ना, वो सिर्फ मोबाइल में ही देखने की परमिशन है, उसको टीवी पर कनेक्ट नहीं कर सकते। हमने सोचा हम टीवी पर कनेक्ट करें तो क्या हो रहा, कनेक्ट हो गया, उसकी सिर्फ वॉइस आ रही थी, सिर्फ उसका एक लोगो आ रहा हॉटस्टार और सिर्फ उसकी वॉइस आ रही थी कि कितना क्या हो गया है, वीडियो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी उसकी टीवी पर। हमने 5 से 10 मिनट ट्राई किया तो फिर वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था उसमें, कि उसमें बस यही मैसेज आ रहा था कि ये सिर्फ मोबाइल में ही देख सकते हैं, टीवी में ये कनेक्ट नहीं होगा। हमने सोचा भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, और फिर YouTube पर भी हमने सोचा कि कहीं YouTube पर ऐसा होता है ना, कहीं पे लाइव चल रहा हो तो लाइव आता है, किसी ने स्टार्ट कर दिया हो, तो वो भी कुछ अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं था, तो वो भी कहीं पर हमें YouTube पर भी कहीं ये देखने को नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि अब उसको छोड़ते हैं और बाद में ही देखेंगे उसे, रात को ही मैंने सोचा कि अब मैं इसको एंड देखूंगी, और मैं रात को भूल ही गई कि मैच था, वो भी भूल गए और मैं भी भूल गई कि मैच था, बिल्कुल दिमाग में से निकल गया कि इंडिया का मैच था, जबकि मुझे लास्ट का देखने में हमेशा अच्छा लगता है, जब ट्रॉफी मिलती है ये सब मैं हमेशा देखती हूँ, बट हमारे दिमाग में से कल बिल्कुल निकल गया मैच के बारे में, लास्ट का छूट गया। अब सुबह मैं उठी तो उन्होंने मुझसे कहा कि नेहा इंडिया मैच जीत गई थी, और फिर मुझे याद आया मैंने मैच था, मैच तो मैं भूल ही गई, तो फिर फाइनली चलो अच्छा है इंडिया मैच जीत चुकी है और कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और बस अब इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो लोग चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द, बाय।